मंत्री बाबूलाल मंडी बनेंगे और जो भी है रघुवर को छोड़ के रघुवर में देखिए जो रियल है सो रियल है रघुवर दास को छोड़ के जो बनेगा वो तो खुद अपना सीट हार गए ठीक है माने की हम बीजेपी है छोटा गड़बड़ी को बड़ा गड़बड़ी सब करके कह रहे हैं मतलब हीरा चोरी करने वाला और हीरा चोरी करने वाला बराबर है मिला था ये भी बताइए अरे भैया किसी के टाइम में मिला था टाइम में मिला किसको किसके टाइम में मिला था सवाल किसके टाइम में मिला था सर क्या लगता है लोकल लेवल पे बूथ लेवल पे कितना मजबूत है आपका पार्टी पार्टी अगर अभी देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग को पीछे में परेशानी हुआ लेकिन उससे तीन टाइम लेकिन काम धंधा ऐसे वैकेंसी वगैरह यही सब लेकिन उससे ज्यादा आप देखते हैं कि ये हेमंत सरकार में उससे भी ज्यादा रघुवर दास का बुराई कर रहे हैं आप बुराई देखिए जो है उनसे जमीन चीज बोलना चाहिए कहाँ लाए आप गिरिडीह से गिरिडीह में आपके सांसद कौन है चंद्र प्रकाश चौधरी मैडम का पांच का काम बताइए आपको पिछले पांच साल में जो किया आपके इलाके में बहुत बढ़िया भाई वही पूछ रहे हैं वही तो हम पूछे पांच काम भाई पांच को काम तो पूछ रहे हैं पांच काम बताइए बीजेपी का मतलब नेता है आप कार्यकर्ता है आपको तो ज्यादा पता होगा जनता को है आज वो काम बताइए काम जैसे ऐसे करते हाथ देखे ऐसे ऐसे करके सोचिए पहले यही बोल रहे हैं जी इनको लगाया जाए हाँ बोलिए आप लोग का सांसद परमा लोकसभा में आते हैं और मैडम अच्छे से काम कर रही है अभी तो पांच काम पूछ रहे हैं अच्छा से तो कर ही रहे हैं काम देखिए हमारे क्षेत्र में तो आज तक संसद का कुछ कार्य नहीं हुआ था क्या नहीं हुआ था मतलब कोई भी योजना योजना वगैरह कुछ नहीं हुआ था कौन सा योजना बहुत तरह से योजना जो है जैसे हाँ अमृत सरोवर है फिर अपने मत से पैसे जो शासन है अभी जैसे अमृत सरोवर है अमृत सरोवर दिए फिर अपना मत से जो कोटा होता है ना क्या होता है कोटा मत से मत से हम लोग को भी काम मिला है क्या जो शेड और सीसी है शेड है तो जब एक मिनट ये नेताजी ज्यादा दिख रहे हैं कुर्ता उड़ता सिलवाए थे इसी के लिए कि पहले से था पहले से है ये वाला कलर पहनते हैं पूरा एकदम काहे पीला काहे पहनते हैं अच्छा लगता है कहाँ से आए आप अरे बाबा आपके सांसद कौन है बी डी राम जी को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में अच्छा साहब ये बताइए मुझे आप तो कार्यकर्ता है बी डी राम जी ने पिछले पांच सालों में जो पांच काम किए हैं वो बताइए बी डी राम जी हमारे प्रमंडल के लिए पलामू प्रमंडल के लिए विशेषकर रेलवे का जो काम हुआ क्या रेलवे दोहरी परंपरा बी डी राम करवाए हैं तो पूरा भारत देश में हो रहा है बुलेट ट्रेन चल रहा है उसको मोदी जी ने करवा रहे हैं जी प्लस में हर घर नल योजना के तहत पानी पाइप झारखंड सरकार कर रही है के समय में जो है के में सोए हुए हैं अभी कैसे कैसे क्या अभी तो तीन साल बीत गए कहाँ क्या हुआ उन लोगों को भला पूछता कि हम इतना जो देंगे पांच लाख जो देंगे क्या आज तक एक भी सरकारी जब दिखाई कि हेमंत सोरेन दिए सुन लीजिए आने वाले दिन में 2024 में जनता उखाड़ के फेंकेगी ना नेता जो समझ में आएगा कि अंदर का ओल्ड पेंशन तो दे ही दिए कर्मचारी को पाँच लाख जो टीचर को कर ही दिए आप बोला कि पाँच ये मिल गया पीछे आगे बोल रहा है आप बोला कि हम जॉब देंगे तीन साल बीत गया अब दो साल में आप क्या कीजिएगा अरे इतना काम तो बोलने किए हैं कुछ नहीं किए हैं पेंशन लागू कर देना सो गया ठीक है सीरियसली बीजेपी अगर जीतता है सरकार अगर बनाने का मौका आएगा मुख्यमंत्री कौन बनेंगे मुख्यमंत्री बाबूलाल मंडी बनेंगे और जो भी है रघुवर को छोड़ के रघुवर में देखिए जो रियल है सो रियल है रघुवर दास को छोड़ के जो बनेगा वो तो खुद अपना सीट हार गए ठीक है माने की हम बीजेपी है पार्टी जिसको कहे वो बनेगी अच्छा ये पद पे है
जी मैं महामंत्री हूँ जी। महामंत्री लगना इतना अच्छा से एकदम नेता टाइप से बोल रहे हैं। नेता टाइप से नहीं बोल रहे, वो नेता है। नहीं नेता है, नेता की तरह बात। स्थिति है, क्या स्थिति है? जो स्थिति है, जो भाषा आप है सांसद, आपका गिरिडीह में पड़ता है कि कोटरमा में पड़ता है? लोकसभा, लोकसभा मैडम तो पीछे है। फिर भी आप बताइए कि आपके सांसद महोदया ने केंद्रीय सामान्य केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, उन्होंने 5 काम आपके इलाके में क्या किया? 5 काम किया है उन्होंने। रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज जितना पूछे वही रेलवे लाइन छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा बता रहे हैं आप। निशिकांत दुबे के इलाके का आदमी बोलेगा कि हमारे सांसद ने आंसर आया, हम चुप हो जाएंगे सर, मुंह में ताला लग जाएगा। क्षेत्र में क्या काम किया सवाल? हाँ बताइए। तो इसलिए आपको मैं चलिए रेलवे लाइन लाया। रेलवे लाइन उन्होंने लाया, फ्लाईओवर बनवाया। और आपको से लेकर गिरिडीह तक जो सिंगल रोड चलती थी वो फोर लेन में परिणत करवाई है, बन रहा है। हाँ शुरू हो गया ठीक है। और जितना भी छोटी छोटी नदी और नाले थे सभी पर पुल और पुलिया बनवा करके रह दिए। कहीं पुल पुलिया का जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन का तो आप क्या और हम क्या, पूरा राज्य देख रही है, राज्य की जनता देख रही है। पूरे राज्य की जनता समझ रही है। भ्रष्टाचार एकदम पैमाने पर है। जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं जी आप लोग के पेट में जो है ना, कोई दूसरा सरकार पछता ही नहीं है। देखिए मनीष सिसोदिया को कैसे, मनीष सिसोदिया को कैसे नहीं रही है। आप देख लीजिए इनका जो विधायक प्रतिनिधि है उनका नाम अभी कोई लेकिन ईडी को बढ़ाया गया। तो आप क्या कहेंगे कि वो पास है? जितना जेल में जबरदस्ती फंसा दिया। रघुवरदास के टाइम में नहीं हुआ कुछ? रघुवरदास के टाइम में इस तरह से हुआ था क्या? लेकिन हुआ था। अगर गड़बड़ी छोटा गड़बड़ी को बड़ा गड़बड़ी से आप शुरू करके कह रहे हैं, मतलब हीरा चोरी करने वाला और हीरा चोरी करने वाला बराबर है आपको, आपको बता। लेकिन ये तो बना है ना, मैं आदमी भूख से अगर रोटी खा लिया चोरी करके और आदमी माल चुरा रहा है, दोनों का अपराध का डायमेंशन बराबर है क्या? बहुत बढ़िया, चोरी होना चाहिए। नहीं चोरी नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। आप जो रघुवरदास का उदाहरण दे रहे हैं हम इसके ही पे कह रहे हैं। वे रघुवरदास ने अपने नाम पर माइनिंग लीज लिया था क्या? आप बता दीजिए ये माइनिंग लीज जो हेमंत सोरेन को मिला था किसके टाइम में मिला था ये भी बताइए। अरे भैया किसी के टाइम में मिला था? किसके टाइम में मिला था? किसको मिला? बहुत शुक्रिया।